आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस सीजन 16 खत्म हो चुका है लेकिन फैंस के बीच अभी भी बज है, वो बना ही हुआ है। अब ऐसे में शिव ठाकरे जो कि बिग बॉस सीजन 16 के पहले रनर अप रहे हैं, उन्होंने अपनी जुबान खोली है और इस बार उन्होंने कुछ कड़वे शब्द बोले हैं। किसके लिए बोला है शिव ठाकरे ने, चलिए आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल गॉसिप टाउन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए, शिव ठाकरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जो शेखर सुमन है वो जब अपना बिग बुलेटिन लेकर आते थे तो वो बार बार आपकी टांग खिंचाई करते थे, तो आपको कैसा लगता था। तो इस पर शिव ठाकरे ने कहा कि मैं उनकी बातों को बहुत बार नजरअंदाज करता था, लेकिन जब बार बार ऐसा होने लगा हर संडे को कि मुझे डांट मिलती थी, मुझे ताने मिलते थे, और शेखर सर की कुछ फेवरेट थे जैसे जिसमें प्रियंका, अंकित और अर्चना थे, तो उनको हमेशा तारीफें मिलती थी। मुझे उनकी तारीफ होते देखने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन मुझे हाँ अपने लिए बुरा लगता था कि मेरी ही क्यों टांग खिंचाई और मेरी ही क्यों डांट पड़ रही है। तो ऐसे में अब शिव ठाकरे ने जब शो से बाहर आकर शेखर सुमन से बात की तो उन्होंने शेखर सुमन से पूछा, शेखर सर आप मुझे बताओ आप ऐसा क्यों करते थे। तो शेखर ने अब कहीं ना कहीं पूरी पोल खोल कर दी है और उन्होंने कह दिया है कि मुझे जो बिग बॉस द्वारा स्क्रिप्ट दी जाती थी मैं सिर्फ उसे ही फॉलो करता था। और ये जवाब शिव ठाकरे का, शिव ठाकरे के सवाल पर शेखर सुमन का ये जवाब सुनकर कहीं ना कहीं फैंस बहुत ज्यादा शॉक्ड है और एक बार फिर से बिग बॉस के मेकर्स पर बायस्ड होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। भले ही शिव ठाकरे शो के विजेता ना बने हों लेकिन फैंस ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है। और अब खबरें आ रही हैं कि जो शिव ठाकरे हैं वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में आपको नजर आ सकते हैं। बहरहाल गाइस, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।